नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। 3 जनवरी 2022, आज से स्कूली बच्चों का 15 से 18 उम्र तक के बच्चों के लिए टीकाकरण कोरोना वैक्सीन ले देने का आज से बच्चों के बीच शुरू किया गया है। देखिए, अभी मैं मड़वाड़ी स्कूल में हूँ, बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, बहुत उत्सुकता है इनमें वैक्सीन लेने के लिए। आपको हम दिखाते हैं, लंबी लाइन बच्चों की। वैक्सीन लेने के बाद बच्चे रेस्ट रूम में रेस्ट कर रहे हैं। आइए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है वैक्सीन लेने के बाद, क्या बोले बताओ? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। इंतजार था वैक्सीन का? हाँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य सिंह। कौन सी क्लास में हो? क्लास 11। 11 साइंस, स्ट्रीम साइंस। स्कूल? मरवाड़ी प्लस टू हाई स्कूल। बच्चों के बीच काफ़ी उत्सुकता है वैक्सीन लेने के लिए, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इनको। आज ये वैक्सीन लेके बहुत ही आनंदित फील। ओके, लक्ष्मी जी आई। वो देख करके तुम आई हो कि गार्जियन तुमको बताया कि जा करके लो? देखिए इधर, देखिए गार्जियन और कोई है ना? और कोई बच्ची है ना? सबको बताइए अपने स्कूल में वैक्सीन लेने के लिए। और किसी को एक सेंटरों पर ना पहले पता फ्रेंड्स को बताइएगा। आज से 3 तारीख से जो 15 साल से 18 वर्ष के बीच में जो बच्चे बच्चियां उनको वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है पलामू ज़िले में। अभी फ़िलहाल करीब 23 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। आज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में जो कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं प्लस टू के, वहाँ पर हम लोग कैंप लगाकर सभी बच्चों का वैक्सीनेशन करें। अभी जो आंकड़े के अनुसार पूरे पलामू ज़िला में 1,41,000 के करीब बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाना है। तो प्लानिंग के साथ सभी बच्चों को देंगे, और मेरा आग्रह भी रहेगा सभी बच्चों और उनके माता पिता अभिभावक से कि अपने बच्चों का वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ। आप देख रहे हो कि काफ़ी तेज़ी से राज्य के अनेक जिलों में COVID-19 का संक्रमण का रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन की आवश्यकता है और सबको जरूर वैक्सीन लेना है। कितने सेंटर बनाए गए हैं सर? अभी फ़िलहाल आज से 23 जगह पे CBC यहाँ पर और जो हमारे ब्लॉक हैं वहाँ पर भी प्रारंभ हो चुका है। लोग ऑफलाइन भी कर सकते हैं, सीधे सेंटर पर भी आकर वैक्सीन ले सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो जहाँ स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी हम लोग सेंटर कल से बनाना शुरू करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।